दिवाली या दीपदानोत्सव। क्या कुछ लोग दीपदानोत्सव के बहाने दिवाली मना रहे हैं? भिक्खु चंदिमा थेरो ने इस बारे में जरूरी बातें साझा की है। फेसबुक पर वो लिखते हैं, मैं इस संदर्भ में दो विचारों को सुनता और पढ़ता रहा हूँ। पहला, कुछ लोगों का मानना है कि सम्राट अशोक ने इसी दिन 84,000 स्तूपों का अनावरण किया था, जिसकी सजावट दीपों एवं पुष्प मालाओं से किया गया था, इसलिए इसे दीपदानोत्सव कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अशोक धम्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद हर स्थापना दिवस पर दीपदानोत्सव करते रहे? जवाब है, इसका कोई भी प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलता। अशोक ने जिस दिन पाटलिपुत्र में स्तूपों का अनावरण किया था, उसी दिन धम्म दीक्षा भी ग्रहण की थी। उस महान दिवस को अशोक धम्म विजय दशमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वो दिन कार्तिक मास की अमावस्या नहीं बल्कि दशमी का दिन था। फिर अमावस्या के दिन दीपदानोत्सव क्यों? इस बारे में दूसरा मत ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध संबोधि प्राप्ति के 7वें वर्ष बाद कार्तिक अमावस्या को कपिलवस्तु पधारे थे। त्रिपिटक ग्रंथों का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने सारनाथ में आषाढ़ी पूर्णिमा को प्रथम उपदेश दिया तथा प्रथम वर्षावास भी सारनाथ में ही व्यतीत किया। कार्तिक पूर्णिमा तक तथागत सारनाथ में ही रुके रहे। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया। तदोपरांत वह सद्धम के प्रचार प्रसार हेतु कपिलवस्तु न जाकर मगध की ओर चले गए। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल ही निराधार है कि तथागत बुद्ध कार्तिक अमावस्या को कपिलवस्तु गए थे। मैंने जितना भी प्राचीन बौद्ध साहित्य या त्रिपिटक साहित्य को पढ़ा है, दीपदानोत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि महाराजा अशोक ने अनावरण के समय दीपदानोत्सव कराया होगा, लेकिन प्रति वर्ष ऐसा उत्सव देखने को नहीं मिला जबकि वह कई वर्ष जीवित रहे। फिर आजकल के लोग दीपदानोत्सव मनाने के लिए इतना व्याकुल क्यों है? क्या इससे अवसरवादी लोगों को बल नहीं मिलेगा? आज भी आप लोग जब कोई नया विहार या आवास बनाते हैं तो उसके उद्घाटन या अनावरण के अवसर पर साज सज्जा करते हैं, लेकिन प्रति वर्ष इस प्रकार का उत्सव देखने को नहीं मिलता। यदि दीपदानोत्सव का संबंध तथागत बुद्ध या अशोक के जीवन से संबंधित होता तो तथागत बुद्ध के अनुयायी जिन जिन देशों में गए, वहां बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा आदि की भांति यह पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन किसी भी बौद्ध देश में दीपदानोत्सव नहीं मनाया जाता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दीपावली का संबंध बुद्ध धम्म से नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि सांस्कृतिक घालमेल करने से अच्छा है कि दीपदानोत्सव का आयोजन इन प्रमुख दिवस पर किया जा सकता है, जैसे वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अशोक धम्म विजय दशमी तथा 14 अप्रैल को। उपासक और उपासिकाओं को चाहिए कि वह प्रत्येक अमावस्या की भांति इस अमावस्या को भी उपोषद दिवस के रूप में ही मनाते हुए 8 शीलों का पालन करे। सायं त्रिरत्न वंदना, परित पाठ, ध्यान साधना तथा धम्म चर्चा करे। घनसारा पदित्तेन दीपेन तमधनसिना, तिलोक दीपन संबुद्धम पूजामी तमोनुदन। इन गाथाओं के साथ भगवान बुद्ध के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के संस्थापक अध्यक्ष भिक्खु चंदिमा थेरो के इस लेख और तर्कों पर आपकी क्या राय है? दिवाली बनाम दीपदानोत्सव पर अपनी राय कमेंट के जरिए साझा करें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल सके। द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB00002 35।
बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।